बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि पुरानी जो कंपनी 102 एम्बुलेंस पूरे बिहार में चला रही थी कंसोर्डियम में सम्मान फाउंडेशन और पीडीपीएल, नए टेंडर में पीडीपीएल को मौका मिला पुनः 102 एम्बुलेंस का सेवा देने के लिए और सम्मान फाउंडेशन को नहीं मिला। बकाया वेतन मान की मांग को लेकर बिहार शरीफ के धनेश्वर घाट स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में बिहार राज्य चिकित्सा कर्मचारी संघ के बैनर तले 102 एम्बुलेंस कर्मियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से 10 दिनों के भीतर बकाया 4 माह का वेतन और आईपीएफ का भुगतान नहीं होने पर सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा की। संघ के जिला अध्यक्ष अमित कुमार पांडे ने बताया कि हम लोग 2013 से एम्बुलेंस की सेवा दे रहे हैं, पिछले साल से 102 एम्बुलेंस के संचालन का जिम्मा नई कंपनी को दी गई, जिसके कारण नई कंपनी द्वारा पिछले 4 माह का वेतन और 22 माह का ईपीएफ देने से इनकार कर दिया गया। इसको लेकर हम लोग सिविल सर्जन से मिलकर कई बार गुहार लगा चुके हैं, पर कोई सुनने को तैयार नहीं। 8,000 रुपए पर हम लोग काम करते हैं, वो भी समय पर ना मिले तो हम लोग के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हम लोग सिविल सर्जन से मांग करते हैं कि 10 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो हम लोग सामूहिक अवकाश पर जाने का बाध्य हो जाएंगे। मौके पर सचिन कुमार, गौतम, अरुण, नवनीत कुमार, अभिषेक कुमार के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। आज के बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि पुरानी जो कंपनी 102 एम्बुलेंस पूरे बिहार में चला रही थी कंसोर्डियम में सम्मान फाउंडेशन और पीडीपीएल, नए टेंडर में पीडीपीएल को मौका मिला पुनः 102 एम्बुलेंस का सेवा देने के लिए और सम्मान फाउंडेशन को नहीं मिला। अब आपसी मतभेद के चलते दोनों कंपनी के वरीय पदाधिकारी के आपसी मतभेद के चलते हमारे कर्मचारी का 4 माह का वेतन और 10 माह का पीएफ अटका हुआ है। हमने सिविल सर्जन महोदय से भी गुहार लगाया है और जिला पदाधिकारी महोदय से भी गुहार लगाया है और आपके माध्यम से आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी गुहार लगाते हैं कि हम लोग गरीब आदमी हैं, 8,000 रुपया तनख्वाह मिलता है, अगर 4-4 महीना पर पैसा मिलेगा तो हम लोग तो मर जाएंगे। और सबसे बड़ा डर है कि कंपनी चेंज हो गई है तो ये भी 4 महीना का वेतन हम लोग को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पिछले भी 5 साल पहले भी पुरानी जो कंपनी थी वो 5 महीने का वेतन और 10 महीने का पीएफ ईएसआई का पैसा गबन कर लिए। यही डर हमारे कर्मचारियों में है। हमने सिविल सर्जन महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि अगर 7 दिन के अंदर हमारी वेतन संबंधित खाते में नहीं आती है तो हम लोग सामूहिक अवकाश पे चले जाएंगे, जिसकी जवाबदेही बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग की होगी, नालंदा जिला पदाधिकारी महोदय की होगी और नालंदा सिविल सर्जन महोदय की होगी। नालंदा से आशीष कुमार की रिपोर्ट।